ओम अज्ञानतिमिरनुदस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो रामो राम हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भगवद गीता अध्याय 3, इसका एक्रोनिम है क्रीप। तो इसमें टोटल 43 श्लोक है। तो टी फॉर त्याग शुरू के 1 से लेकर 9 तक भगवान ने निष्काम कर्मियों को एक्सप्लेन किया है। फिर आर फॉर रंग्स ऑफ योगा लेटर, सो 10 से लेकर 16 तक भगवान ने एक्सप्लेन किया है कि अगर तुम कर्म योग नहीं कर सकते अर्जुन तो कर्म कांड को एक्सप्लेन किया कि कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे जाया जा सकता है। फिर ई फॉर एग्जेम्पलरी 17 से लेकर 35 तक। तो अगर अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञान योग के लिए क्वालिफाइड हूँ, तो भगवान बोलते हैं अगर तुम क्वालिफाइड हो तभी भी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, सारे लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए तुम कार्य करो, प्रिस्क्राइब ड्यूटी का आश्रय लो। और जो लास्ट ही है वो क्या है, एनिमी ऑफ द सोल। तो उसमें प्रश्न किया जाता है कि ये सब जानने के बाद भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत क्यों हो जाता है, सब कुछ पता होने के बाद भी। तो ये जो भोग करने की इच्छा है काम, भगवान बोलते हैं ये जीव का बहुत बड़ा शत्रु है आध्यात्मिक पथ पे। तो 10 से लेकर 16 तक ये रिसाइट करेंगे, ये सेक्शन आज डिस्कस करेंगे। सहज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्धं एष वो इष्ट परस्परं भावयन्ता श्रेया परमवाप्स्यत इष्टान् भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रादेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सा यज्ञशिष्टासि नासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवा यज्ञात् भवति पार्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवा कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तीयति हया अगायुरिन्द्रिया रामो भोगं पार्थ सजीवति। हमने देखा था 12वें श्लोक में 3.12 में भगवान बताते हैं, भगवान ने 10th श्लोक में बताया कि जब से सृष्टि हुई है, सृष्टि की शुरुआत से भगवान ने सिस्टम सेट कर दिया है। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरो वाचा प्रजापति, इस सृष्टि की शुरुआत से भगवान ने सिस्टम सेट किया है कि शुरुआत सृष्टि के साथ ही यज्ञों को बना दिया है। तो क्यों मनाया है, प्रसविश्वद्धम की यज्ञ के द्वारा लोग समृद्धि को प्राप्त करें और इष्ट काम दुख अपनी जो कामनाएं हैं उसको पूरा करें। उसके बाद 3.11 में भगवान ने म्यूचुअल कॉपरेशन का जो सिस्टम है उसको एक्सप्लेन किया है।
देवान भावयताने ना ते देवा भावयन्तुवा। भगवान बोल रहे हैं देवान भावयताने ना अनेना यज्ञों के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे, ते देवा भावयन्तुवा, और वो जो देवता हैं वो तुमको प्रसन्न करेंगे। तुम देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुमको संतुष्ट करेंगे, परस्परम भावयन्ता। और जो म्यूचुअल कनेक्शन रहेगा एक दूसरे का, श्रेया, इससे तुम श्रेय को प्राप्त करोगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, इष्टान भोगान ही वो देवा। तो देवता तुम्हें जो डिजायर्ड इच्छाएं हैं, भोग हैं, वो देंगे, दास्यन्ते, वो तुमको प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविता, यज्ञ से प्रसन्न होंगे। तैर दत्तान अपरादेभ्यो, लेकिन अगर कोई संसार की चीजों का, संसार की वस्तुओं का भोग करता है, आप देव बिना देवताओं के प्रदान किए गए भूमते उनका भोग करता है, स्तेन एव सा, तो वो क्या है, चोर है, ऐसा बोलते हैं। तो ये भगवान ने प्रथम श्लोक में बोला है कि अगर कोई बिना यज्ञ का, यज्ञ किए हाँ चीजों का भोग कर रहा है, तो वो क्या है, चोर है। तो प्रभुपाद जी ने बोला है जो चोर है वो कैसे सुखी रह सकता है, इसको एक्सप्लेन किया तात्पर्य में। फिर अभी 13 श्लोक पर बताएंगे। तो इसका कनेक्शन क्या है कि अर्जुन सोच सकता है कि मुझे यज्ञ की क्या जरूरत है, हाँ यज्ञ की या देवताओं की पूजा करने की, या देवताओं को प्रसन्न करने की मुझे क्या जरूरत है, और इतना सारा समृद्धि वगैरह इसकी मुझे क्या जरूरत है। तो अर्जुन सोच रहे हैं ना तो मैं यज्ञ करूंगा, अगर उनके मन में ऐसा विचार आए कि ना तो मैं यज्ञ करूंगा और ना तो मैं देवताओं को प्रसन्न करूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, मैं भिक्षा मांग के रहूंगा, तो मैं देवताओं से तो कुछ ले नहीं रहा हूं। तो जो देवताओं से ले रहा है, जिसको समृद्धि की आवश्यकता है, वो यज्ञ करे, तो वन में चला जाऊंगा, देवताओं से मुझे कुछ लेना नहीं पड़ेगा, तब मुझे कोई भी सिंपल रिएक्शन नहीं लगेगा, यज्ञ नहीं भी करूंगा तो तब आई वॉन्ट बी अ थीफ, तो मैं चोर नहीं, मेरे को कोई कहेगा हाँ। और लेकिन क्या है, ये जो युद्ध है, ये जो घोर कर्म है, इसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो भगवान अगले 2 श्लोकों में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवान बताते हैं, अगले श्लोक से एक्सप्लेन करके बताते हैं, साइकिल ऑफ यज्ञ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर तुम वन में भी चले जाओगे, वन में भिक्षा मांग के भी तुम कुछ ले रहे हो, लेकिन वो अन्न कहाँ से आ रहा है, वो अन्न कहाँ से आ रहा है, वो तो देवताओं से ही आ रहा है, इसलिए भगवान वो साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस एक्सप्लेन करते हैं। सो 3.13, यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ करने के बाद जो उसका उच्छिष्ट बच जाता है उसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टा। आसिना, उसको ग्रहण करते हैं संता। संता कौन है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है। भगवान के भक्तों के लिए भी ये शब्द यूज किया गया है, या तो यहाँ भी बोला गया है जो संत है, भक्तगण, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया, डिवोटीज, जो डिवोटीज हैं, जो शुद्ध लोग हैं, या जो रिस्पेक्टेबल पीपल हैं, संस्कारित व्यक्ति हैं। तो यज्ञ शिष्टा यानी यज्ञ में ऑफर करने के बाद जो उच्छिष्ट बचता है, भगवान को भोग लगाने के बाद जो प्रसाद ग्रहण करते हैं संत, उससे क्या होता है, प्रसाद लेने से मुच्यन्ते सर्व क्लेश, सारे पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, सारे पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। ये पहली लाइन बता रही है कि अगर आप भोग लगा के भगवान को ग्रहण करते हैं तो क्या होगा, ये पहली लाइन में बताया जा रहा है। जो व्यक्ति भोग नहीं लगाता है और बिना भोग लगाए भोजन और अलग खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहा है, उसके साथ क्या होगा, भुंजन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। भुंजन्ते, वो भोग कर रहा है, क्या भोग कर रहा है, वो
अगम पापा, वो पापी व्यक्ति है, पाप ही खा रहा है वो। ये पचंती आत्म कारणा, जो कुकिंग कर रहा है, भोजन को पका रहा है, आत्म कारणा अपने लिए केवल। तो ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत व्यवहारिक है हमारे जीवन में, कि हम लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं। पहले के समय में आप देखेंगे लोग होटल वगैरह में बाहर वगैरह खाते ही नहीं थे। जो खाना है, जो अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं, उसका साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको पता होना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भोग लगा के ही चीज को ग्रहण किया जाए, और वो भोग भी प्रॉपर लगाना चाहिए। ये बेस्ट चीज है। अदरवाइज वो व्यक्ति पाप खा रहा है, तो जो खा रहा है तो खाने के साथ उसका पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है तो उससे उसके दुख बढ़ेंगे नेचुरली, तो उसकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। भोग लगा के खाना ये संस्कृति का एक सबसे फाउंडेशनल चीज है। तो पहली लाइन बता रही है, अगर आप भोग लगा के ग्रहण करते हैं, जो भी आप खा रहे हैं भोग लगा के ही ग्रहण करना है। लेकिन बिना भोग लगाए कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है तो वो पाप को ही खा रहा है। तभी अब इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार अभी व्यक्ति को लगता है कि अभी इतना फास्ट लाइफ हो गया है। पहले के समय में व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति के पास टाइम था, तो उसको लगता है हर चीज का भी ऑफरिंग करना पड़ेगा। अभी ऑफरिंग करना है, उसका भी सिस्टम है, कुछ 4-5 मिनट वेट करना है। तो कई जगह आप देखें तो ऑफरिंग करते हैं तुरंत निकाल लेते हैं, या घर में कुछ होता है ऑफरिंग करके तुरंत निकाल लेते हैं। हाँ, तो ये तो इंसल्ट हो गई भगवान की। 5-10 मिनट तो उनको खाने के लिए देना चाहिए। हम लोग तो 1 घंटे बैठ के खाते हैं प्रसादम। हाँ, तो लंच कर रहा है तो कोई 1 घंटे बैठ के खा रहा है, और भगवान के लिए 5 मिनट देने में भी उसको प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये सारी चीजें थी जिससे व्यक्ति भगवान के बारे में कॉन्शियस हो जाए। हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, ये सिद्धांत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि भगवान को, वो ये भक्ति की क्रिया है। हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं, इसमें तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। ये भक्ति की एक क्रिया है, जब भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं, ये हम भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति का पार्ट है। तो जितने प्रॉपरली हम ऑफर करेंगे, ये भक्ति का एक पार्ट है। हम भगवान को एक्नॉलेज कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र पढ़ने के बाद कि आप इसको ग्रहण कीजिए। हाँ, और हम बेस्ट ऑफर करना चाहते हैं, हम बेस्ट तरीके से थाली को प्रिपेयर करके हम भगवान को ऑफर करते हैं, ये सिद्धांत। तो ये पहला लाइन बता रहा है कि भगवान को अर्पण करके भोजन ग्रहण करने की शक्ति क्या है। दूसरा लाइन बता रहा है, आप भोग नहीं लगाएंगे, अगर हम भगवान को भोग नहीं लगाएंगे और ग्रहण करेंगे तो केवल हम पाप खाएंगे। ये पचंती आत्म कारणा, जो व्यक्ति भोग नहीं लगाता है वो केवल पाप खाता है। ये बहुत कॉमन सिद्धांत है। जितने कल्चर है, क्रिश्चियनिटी है, जैसे क्रिश्चियनिटी में वो प्रे करते हैं, वो गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, जीसस से प्रे करते हैं कि हे भगवान हमको डेली ब्रेड दीजिए। तो हर रिलीजन में, धर्म में ये सिद्धांत है कि भगवान के द्वारा ही हमको भोजन मिलता है। तो भोग लगाने की ये जो प्रक्रिया है, इट्स अ एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये भगवान को कृतज्ञता अर्पण करने का एक परंपरा है कि आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है, आपकी कृपा से मुझे मिल रहा है। और वास्तव में भगवान की कृपा नहीं है, हाँ, तो करोड़पति व्यक्ति है तभी भी भोजन नहीं मिलेगा उसको। और अगर भगवान की कृपा है तो व्यक्ति के पास 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन खाने के लिए भगवान अरेंज कर देता है। तो ये सिद्धांत है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ये स्टोरी बताते हैं, हाँ, कि एक राजा होता है। हाँ, तो वो जब ये सुनता है कि भगवान की, तो उसको मंत्री बताता है कि भगवान की कृपा होती तभी कुछ होता है, तो भगवान की कृपा नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकते, हमको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। भगवान की कृपा है तभी मैं खा रहा हूँ। तो वो राजा बोलता है, मैं डिसाइड करता है कि मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरे पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मैं डिसाइड कर रहा हूँ आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, देखता हूँ मैं कैसे खाता हूँ। तो वो डिसाइड कर लेता है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, ये और ऐसे ही जा रहा होता है। तो जंगल में कहीं पे एक जगह बैठा होता है, तो वहां पे वो बैठा होता है, तो
वहां जाता है और वहीं पे जगह पे डाकू आ जाते, जो कुछ डकॉइट्स रहते हैं उस जगह से घूम रहे होते हैं, तो वो आ जाते हैं वहां पे। तो अब वो राजा का प्लान है कि आज मैं कुछ भी नहीं खाऊं, वो प्लान करके जाता है। तो अब क्या होता है कि उसी जगह पे पहले एक व्यक्ति होता है, वो पूरा तैयारी करके आया होता है कि मुझे बहुत अच्छा भोजन बना के लाया होता है कि मुझे खाना है। अब लेकिन जब उसको घोड़ों की आवाज आती है कि डाकू आ रहे हैं, वो अपना पैक फीस्ट प्रसादम जो होता है सारा वहीं छोड़ के भाग जाता है डाकुओं के डर से, और वहां आके राजा बैठ जाता है। अब डाकू आते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, वो देखते हैं फीस्ट का पूरा भोजन रेडी है, तो वो सोचते हैं इसको ऑनर किया जाए। लेकिन वो सोचते हैं कि इसमें हो सकता है कि पॉइजन हो, तो हो सकता है व्यक्ति ने हमको मारने के लिए रखा, तो पहले इसको खिलाएंगे, पहले इसको खिलाएंगे, देखेंगे इस पे कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है तब हम कहेंगे। तो उसको खिलाते हैं। तो मतलब ऐसे ही रिलेटेड स्टोरी चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये भगवान की कृपा है तभी व्यक्ति को अन्न मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। तो ये सिद्धांत है। तो जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान की प्रति कृतज्ञता कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हैं, और भगवान उसमें से पाप को निकाल लेते, सिंपल रिएक्शन। तो ये सिद्धांत है। अभी जो प्रसाद का सिद्धांत है शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो क्या सिद्धांत है कि जो प्रसाद है उसके अलग अलग स्टैंडर्ड है। बेस्ट प्रसाद क्या है कि जिसने खेती की है अनाज की, तो जो डिवोटी भक्त है, भक्तों ने अनाज की खेती की है, और जो डिवोटी बिजनेसमैन है, जो भक्त बिजनेसमैन है, उन्होंने ही उसको ट्रांसपोर्ट किया है, और जो भक्त हैं उन्होंने ही उसको कुकिंग किया है, और जो भक्त हैं वही सर्विंग कर रहे हैं, और भक्त ही उसको ऑफरिंग कर रहे हैं, तो सब जगह भक्ति इन्वॉल्व है, वो बेस्ट प्रसाद। प्रभुपाद जी बोलते थे सर्विंग भी डिवोटीज को करना चाहिए, ये सब सब कुछ डिवोटीज को करना चाहिए, वो बेस्ट प्रसाद है। तो एक्चुअली प्रसाद एक सिद्धांत में प्रसाद इज नॉट जस्ट द प्रसाद, केवल वो फूड नहीं है जो भगवान को ऑफर किया गया है। प्रसादम मतलब वो जो कुकिंग है, वो कुक ही भगवान के लिए किया गया है, उसको लगाया है, मतलब जो अनाज खेत में लगाया है वो भगवान के लिए ही लगाया है, इससे भगवान को भोग लगेगा, ये चेतना है, ऐसी चेतना में लगाया है, और उसी के लिए उसको ट्रांसपोर्ट किया है। और कुकिंग तो भक्ति में हमेशा ही, पहले ही भक्ति के सिद्धांत में हर क्रिया करने से पहले ही विचार ये रहता है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो बस प्रसादम तो वो है ये। लेकिन हमारे केस में एटलीस्ट हमको भगवान को ऑफर करना है, एट द लीस्ट, ये लीस्ट है कि जो भी हम लेते हैं उसको कुकिंग करके हमको भगवान को ऑफर करना है। और जब हम कुकिंग करते हैं, कुकिंग के समय भी ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए कि भगवान के लिए, ये भगवान के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं। हमको ये सिद्धांत पता रहना चाहिए, अगर भगवान संतुष्ट होंगे तो हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे, ये भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अपने लिए कुकिंग कर रहे हैं। तीसरा चीज क्या है कि व्यक्ति घर में होता है, कई बार घर में आप प्रसादम वगैरह में मिश्री लगा देता है, वो कुछ तो मिश्री वगैरह रहता है या कुछ वाइट वो रामदाना रहता है, वो भगवान को लगा देता है। अब वो खुद के लिए डिटेल पूरा मेनू बना रहा है, खुद के लिए पिज्जा बन रहा है, पास्ता बन रहा है, पूरा डिटेल मेनू बन रहा है सब, और भगवान के लिए वही 2 टाइम मिश्री चल रही है। तो ऐसे कभी संबंध स्थापित नहीं हुए, इम्पर्सनलिज्म है, क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं कर रहा है कि ये भगवान मेरे घर पे बैठे हुए हैं जिनको मैं भोग लगा रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति ग्रहण करता है, इसलिए यही सिद्धांत होना चाहिए कि वो भगवान को अर्पण करके ही ग्रहण करना, उसको कोशिश करना चाहिए कि जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना है। जितना जो भी घर में जो भी विग्रह की व्यक्ति सेवा कर रहा है, जितना उसमें वो पर्सनल रहेगा, उतना उसमें वो आदान प्रदान भगवान का अनुभव करेगा। तो प्रभुपाद जी की एक फेमस बुक है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। हाँ, तो हमको पता होना चाहिए, कई बार वेस्ट में
एक्चुअली वेजिटेरियन रहना भी बहुत बड़ा चीज है। तो परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट आंसर में जो प्रभुपा जी से क्वेश्चन कर रहे हैं उनका नाम है बॉब, बॉब। तो बॉब जब श्रील प्रभुपा जी को मिलते हैं तो प्रभुपा जी से बोलते हैं, स्वामी जी आई एम वेजिटेरियन। हाँ कि स्वामी जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं मंकीज आर ऑल्सो वेजिटेरियन, वॉट इज बिग डील अबाउट इट। प्रभुपा जी बोलते हैं तो बंदर होते हैं वो भी तो वेजिटेरियन ही होते। तो एक्चुअली पाश्चात्य देशों में तो वेजिटेरियन रहना भी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमको पता होना चाहिए वेजिटेरियन रहने से भी पाप नहीं कटता है, उसमें भी पाप लगता है। हमको भगवान को ऑफर करके खाना बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले ये प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया है, यज्ञ का जो प्रिंसिपल है। तो यज्ञ का मतलब क्या है, जो हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग कर सकते थे वो हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ये यज्ञ का मतलब। तो हम लोग जो कुकिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं प्राइमरली क्योंकि ये कृष्ण को प्रसन्नता दे, ये और ये भाव से कुकिंग करना चाहिए, फिर उसको ऑफर करना चाहिए, तो वो हमको सारे पापों से मुक्त करेगा। ये तो अपने प्लेजर के लिए बहुत इलेबरेट व्यक्ति को साधारण जीवन जीना चाहिए। वो तो भगवान के लिए 56 भोग की विधि है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, हाँ, और देखते हैं अद्वैताचार्य अपने घर में इस प्रकार का भोग बनाते थे भगवान के लिए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इस प्रकार का अन्न जो कृष्ण को अर्पण करता है, जन्मे जन्मे जन 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 जन्मांतर में उस व्यक्ति के चरण को अपने सिर पे धारण करो, ऐसा। तो जो इलेबरेट है, जो हमको डिटेल कुकिंग है, वो भगवान के लिए करना है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अन्य लोग जो केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे ना केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह कैस किस तरह सुखी हो सकता है। प्रभुपाद जी प्रश्न कर रहे हैं, पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी ने बोला चोर है, इस श्लोक में बोल रहे हैं पापी है। अब कोई व्यक्ति है वो पापी है और दूसरे नंबर पे चोर है, तो कैसे सुखी होगा? इस संसार में व्यक्ति सुखी रहना चाहता है अब वो, लेकिन सिद्धांतों का पालन नहीं करना चाहता, वो कैसे सुखी होगा? इसलिए लोगों के जीवन में इतना क्लेश है, इतना क्लेश है, इतना टेंशन है। ये क्लेश और ये टेंशन केवल नौकरी करने से, पैसा कमाने से, भौतिक एजुकेशन से, इससे नहीं जाने वाला है, टेक्नोलॉजी से इससे नहीं जाएगा। व्यक्ति को शास्त्र के इन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद भगवान साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस को एक्सप्लेन करते हैं अगले श्लोक से। अन्नाद भवन्ति भूतानि पार्जन्या अन्न संभव, यज्ञाद भवति पार्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने भूतानि हैं, जितने लोग हैं, तो जितनी लिविंग एंटिटीज हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि, तो कहाँ से उनके उनको चाहिए फूड, यानी अन्न। अन्न कहाँ से आता है? पारजन्य अन्न संभव, अन्न अन्न आता है पारजन्य से, यानी वर्षा से। और वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञात भवति पारजन्य, वर्षा जो होती है वो यज्ञ से आती है। और यज्ञ कहाँ से आता है? यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ आता है जब व्यक्ति अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को फॉलो करता है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करना है यज्ञ, ठीक है। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं, जो कर्म है वो कहाँ से आता है? 3:15 कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। तो जो कर्म है ब्रह्म, तो यहाँ पे ब्रह्म शब्द का मतलब है वेद। ब्रह्म उद्भवम, उद्भवम मतलब उत्पन्न होता है। तो क्या कर्म करना है नहीं करना है ये कहाँ पता चलता है? ये वेदों में लिखा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ये तो जो कर्म है वो वेदों में लिखा है, और वेद कहाँ से आते हैं? फिर ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, जो वेद हैं वो कहाँ से आते हैं? अक्षर यानी जो इनफॉलिबल है, भगवान से ही आते हैं बेसिकली, समुद्भवम। तस्मात, इसीलिए, देयर फोर, तस्मात सर्वगतम ब्रह्मा। इस तरह जो ब्रह्म है ये हर जगह है, नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, ये जो यज्ञ में नित्य रूप से ब्रह्म रहते हैं। तो ये जो साइकिल है, हाँ, तो यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अगर जंगल में भी चले जाओगे,
लेकिन जो भोजन तुम भिक्षा में भी मांगोगे वो तो वर्षा से आता है, वो वर्षा डेमिगॉड से आती है, तो तुम अपना जो यज्ञ का कर्म है उसको नहीं छोड़ सकते हो। ये तो कर्म ब्रह्म भवम विद्धि। हाँ, तो ये जो कर्म है ये कहाँ से आता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ये तो प्रिस्क्राइब किया गया, वेदों में दिया गया। तो यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद है यहाँ पे। तो ब्रह्म के कई मीनिंग होते हैं, पहले भी हमने देखा है, भगवान के लिए भी यूज होता है, आत्मा के लिए भी यूज होता है, ब्रह्मा जी के लिए भी कई जगह यूज है। तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि साइकिल देखिए, अन्ना भवन्ति भूतानि, जो लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा है, वो अन्न पे सब्सिस्ट करते हैं। पार्जन्य अन्न संभव, अन्न आता है रेन से, वर्षा से। यज्ञात भवति पार्जन्य, वर्षा होती है यज्ञ से। यज्ञ कर्म समुद्भव, और यज्ञ मतलब कहाँ दिया हो, यज्ञ कैसे होता है? जब व्यक्ति अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करता है। यज्ञ केवल स्वाहा वाला यज्ञ नहीं है, बेसिकली अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी भगवान के प्लेजर के लिए करना, वो यज्ञ। तो कर्म जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो कहाँ दी है? कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि। ये तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी ब्रह्म के साथ उद्भव उत्पन्न होती है। ब्रह्म मतलब वेद, यहाँ पे ब्रह्म शब्द का क्या है? वेद। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, और ब्रह्म कहाँ से आता है? यहाँ पे ब्रह्म मतलब वेद, ये वेद कहाँ से आता है? अक्षर समुद्भवम, जो इनफॉलिबल सुप्रीम लॉर्ड है, बेसिकली जो पर ब्रह्म है, उनसे आता है। तस्मात देयरफॉर, इसीलिए ये ब्रह्म जो हर जगह है, ये यज्ञ में नित्य रूप से प्रतिष्ठित रहता है। ये पॉइंट है। तो अब देखिए, जो साइकिल है ये है साइकिल ऑफ सेक्रीफाइस। अन्ना दोवंती भूतानि, तो यहाँ सारी जीवात्मा इस संसार में कैसे जीवित है हम लोग? क्योंकि अन्न मिल रहा है, अन्न नहीं मिलेगा तो लोग जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अब अन्न कहाँ से आ रहा है? पार्जन्या। तो क्या होता है इस संसार में, कलयुग में लोग ये क्या है, पहले के लोग बड़े मननशील होते थे। कलयुग में आदमी वो क्या है, इतना उसकी बुद्धि भोग में है, क्या कहाँ से हो रहा है उसको मतलब ही नहीं है। क्या कहाँ से हो रहा है उसको मतलब ही नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भूल जाता है सब। ये तो शास्त्रों में बताया कि अगर हम कुछ अन्न खा रहे हैं तो पता होना चाहिए वर्षा से आ जाए। पार्जन्य अन्न संभव, हाँ, रेन्स प्रोड्यूसेस ग्रेन्स। और वर्षा क्यों हो रही है? यज्ञात भवति पार्जन्य, क्योंकि तो जो यज्ञ कोई कर रहा है, हाँ, क्योंकि इस धरती पे कोई ना कोई धर्म का आचरण कर रहा है, इसीलिए अभी भी जीवन चल रहा है। तो जब हम माला उठा के करते हैं, हमको पता होना चाहिए हम पूरी सृष्टि पूरी पृथ्वी को हेल्प कर रहे हैं एक बार। क्योंकि अभी तक इस सृष्टि पे पृथ्वी पे धर्म करने वाले कुछ लोग हैं, तभी यह चल रहा है। और जैसे जैसे धर्म का ह्रास होते जाएगा, कलयुग के अंतिम चरण में हम देखेंगे कि ग्रेन्स बंद हो जाएंगे। लिखा हुआ है भागवतम में, ग्रेन्स रहेंगे नहीं। और जैसे चाइना में होता है, व्यक्ति अबॉर्ट करके फिशेस को भी खाता है, वो जो भ्रूण होता है उसके, तो चाइना में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो व्यक्ति खाता नहीं है। हाँ, तो वही लोग एक दूसरे को खाएंगे कलयुग के अंतिम चरण में, ऐसा स्थिति आ जाएगा। ये भागवतम में दिया गया है। तो क्योंकि कुछ लोग धर्म का आचरण कर रहे हैं, इसीलिए यज्ञ चल, इसीलिए ग्रेन से यज्ञ कर्म समुद्भवा। और ये यज्ञ कहाँ दिया हुआ है? हाँ, ये जो यज्ञ है ये कर्म से आता है। कर्म कहाँ दिया है? ये वेदों में दिया है। तो भगवान ने अभी ये साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे वेदों तक बात की है। अगले श्लोक में पूरी कंप्लीट होगी एक बार में साइकिल, जब भगवान बताएंगे एवं प्रवर्तितम चक्रम। ये जो चक्र है ये कब कंप्लीट होता है? जब जीवात्मा को पता चलता है कि मुझे क्या कर्म करता है करना है। और वो कैसे पता चलेगा? जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा। तो ये एक साइकिल है बिटवीन भूतानी एंड वेदास, जो जीवात्मा है और वेदों के बीच में। ये तो जीवात्मा को इस संसार में ये लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हमको शास्त्रों के अकॉर्डिंग रहना है। यज्ञ कर्म समुद्भवा, इसका क्या मतलब है? देखिए, जो इस संसार में हम लोग क्या सोचते हैं, जो कर्म है हमारा या हमारा जो कर्तव्य है, तो कोई व्यक्ति क्या सोचता है, मेरा क्या कर्तव्य है? लोग सोचते हैं मुझे अपने परिवार वालों का ध्यान रखना है, मुझे अपने रिश्तेदारों के प्रति मेरे कुछ कर्तव्य है, वो मुझे पूरे करने हैं। ये सही बात है, ये करने हैं, ये जरूरी है, लेकिन ये कंप्लीट स्कोप नहीं है हमारी ड्यूटी का।
अपने बच्चों का ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना, ये पशु भी करते हैं। मनुष्य का ये जिम्मेदारी है ना, मनुष्य की ड्यूटीज थोड़ा और ज्यादा है। हमको केवल अपने शरीर का और शरीर से संबंधित संबंधों का ध्यान नहीं रखना है, हमको हमारी आत्मा का भी ध्यान रखना है, ये पता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इट्स नेचुरल एंड नेसेसरी बट नॉट स्पिरिचुअल। अपने बच्चों का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है और नेसेसरी है, ये आवश्यक भी है, लेकिन इट्स नॉट स्पिरिचुअल, ये आध्यात्मिक नहीं है। तो यज्ञ कर्म समुद्भवा, समुद्भवा का मतलब है जो साथ में उत्पन्न होता है, जो साथ में उत्पन्न होता है, तो कर्म के साथ ही इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? कि हमको अपनी चेतना के विकास के लिए प्रयास करना है, भगवान से संबंध स्थापित करना, ये हमको करना पड़ेगा। भगवान के प्रसन्नता के लिए हमको अपने सुखों का त्याग करना, ये जीव का एक जिम्मेदारी है। तो अगर कोई हम ये माला कर रहे हैं, कभी हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तो पहले आप देखेंगे, अभी तो खैर हम एक्सटर्नली उसको इतना नहीं करते रहेंगे, लेकिन आप इंडिया में मिलेंगे लोगों से, तो कोई व्यक्ति 15 मिनट भी अगर सपोज भगवान के लिए दे रहा है, तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान के ऊपर मैंने इतना कर्ज चढ़ा दिया है, भगवान कई जन्मों में चुका नहीं पाएंगे, मैं रोज 15 मिनट दे रहा हूँ भगवान के लिए। हाँ, और वो तिलक लगा के ऐसे निकलता है, तिलक लगाया, इतनी चीजें ब्रेक कर रहा है, दिन भर में इतना पाप कर रहा है, तो वो उसके लिए तो अनकॉन्शियस है, लेकिन वो अपने आप को ऐसे दिखाता है लोगों की, मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। और भगवान के मंदिर में कभी आ गया, वो एक दर्जन कभी केले लेके आ गया, उसको लगता है देखो मैं कितना बड़ा, मैं भगवान के लिए लेके आया, भगवान के लिए मैं ये केले लेके आ गया। तो क्या होता है कि ये समाव एक सटल सूक्ष्म रूप से भावना रहती है। कुछ भगवान के शास्त्रों को पढ़ लिया, कभी कोई भगवान के मंदिर आ जाता है, कभी कभी कोई व्यक्ति, तो इंडिया में इस प्रकार का बहुत लोगों में अहंकार रहता है। तो हम भगवान पे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारे ड्यूटी का पार्ट है बेसिकली, ये बताया, ये दिया हुआ है शास्त्रों में। सर्वगतम ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने हर जगह पर, तो ये भगवान ने साइकिल कंप्लीट की है। अगर इस साइकिल को हम देखेंगे तो क्या है, संसार का उद्देश्य भगवान से कनेक्ट करना। तो जो 15th श्लोक है उसमें जो लिखा है, ब्रह्म अक्षर समुद्भव, तो जो अक्षर शब्द है भगवान के लिए या कृष्ण के लिए, ये तो कृष्ण हर चीज का उद्देश्य है, लेकिन कृष्ण तो हमको दिख नहीं रहे हैं, तो उन्हीं कृष्णों ने वेद दिए हैं, और वेदों में हमारे को क्या कर्म करना चाहिए वो लिखा है। तो इस प्रकार से जब हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञ के द्वारा हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, ये प्रिंसिपल यहाँ पे बताया गया है। हमको इस तरह से कर्म करना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। जब हम ऐसा कर्म करते हैं तो उस प्रकार से हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। तो ये साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो एक बार और उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस संसार में हर कोई अन्न पे डिपेंडेंट है। तो जो अन्न है वो तो हमको पृथ्वी से मिलता है, तो पृथ्वी पे जब वर्षा होती है तो अन्न आता है। तो वर्षा कब होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के एक देवता है जिनको इंद्र बोलते हैं, यज्ञ में जब वर्षा के देवता है, तो उनकी प्रेरणा से ये यज्ञ होता है। अब ये यज्ञ व्यक्ति, यज्ञ करने की इंस्पिरेशन व्यक्ति को कैसे आती है और यज्ञ कैसे करना है, ये कहाँ दिया है? ये वेदों में दिया है, वेद बताते हैं। तो जो वेदों के जो फॉलोअर्स रहते हैं वो यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, उससे वर्षा आती है तो ग्रेन्स मिलते हैं, और वो उनपे हम सब लोग डिपेंडेंट हैं। तो अब यहाँ से व्यक्ति का ग्रोथ कैसे हो रहा है, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन। तो एक जो आसक्त व्यक्ति रहता है, जो भी व्यक्ति है, कोई भी अटैच मटेरियलिस्ट भी है, उसको भी ये सब चीजें चाहिए। तो हर व्यक्ति इनडायरेक्टली तो भगवान पे डिपेंडेंट है ये। तो जब वो ये सेक्रीफाइस करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको उसके भोग की वस्तु तो मिलती है, उसको अन्न खाना है, वो सब चीजें तो उसको मिलती हैं, लेकिन साथ साथ में वो कनेक्ट हो जाता है, उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ग्रो करती है ये। तो इंद्र रेन देते हैं, और वो यज्ञों के द्वारा जो वेदों में दिया है
उसके द्वारा यज्ञों को पढ़ता है, जो क्या करना है वो वेदों में दिया है, इसके द्वारा वो वेदों को पढ़ता है। ये तो इससे उसके कॉन्शियसनेस का बड़ा ग्रोथ होता है। ये जो साधारणतया यही चीज बहुत सिंपल है, वो मार्केट में जाए कुछ भी खरीद के ले आए और बिना ऑफर किए खा ले, तो उसका टाइम बच जाएगा, चीजें फास्ट हो जाएंगी, तो एक्सटर्नली व्यक्ति बोलेगा ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन स्पिरिचुअली वो बहुत कम इफेक्टिव है। स्पिरिचुअली क्या है, बहुत कम इफेक्टिव है। स्पिरिचुअल इफेक्टिविटी बढ़ती है जितना टाइम हमारा जा रहा है भगवान को प्रसन्न करने में। तो अगर व्यक्ति खुद कुछ उगा रहा है, अभी जो इसमें लिखा है जो प्रसाद का बेस्ट कंडीशन है, वो व्यक्ति खुद ही भगवान के लिए लगा रहा है, फिर उसी उसको खुद काट रहा है, फिर उसको खुद ही पका रहा है, फिर खुद ही ऑफर कर रहा है, ये तो हम सुनेंगे तो हमारे को टेंशन हो जाएगा, वो सुन के ही टेंशन हो जाएगा। ऑफरिंग करने का ही टाइम नहीं है कलयुग में, तो ऑफरिंग करने का टाइम नहीं रहता, तो इतना सब करेंगे तो हमें तो बहुत इनइफिशियंट हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली इफिशियंसी बढ़ जाएगा, जितना व्यक्ति भगवान के लिए टाइम देगा वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो भगवान के लिए टाइम देगा, भगवान चीजों को कैसे करते हैं बहुत मिस्टीरियस है, इसी को बोलते हैं फेथ, जो विश्वास है। विश्वास शब्द की परिभाषा क्या है, जो नहीं दिख पाता है, जो हमारे मन और बुद्धि के परे है, वो भी भगवान कर सकते हैं, यही विश्वास। अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे, दिया हुआ है उग्रसेन महाराज के कितने बॉडीगार्ड थे, वो बिलियंस में है, उनके कितने सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड थे द्वारका में। वो प्रश्न अभी अभी कोई व्यक्ति सोचेगा, इतने छोटे से आइलैंड में इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? उग्रसेन महाराज के जितने बॉडीगार्ड थे उतनी पॉपुलेशन नहीं है आज दुनिया की, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है ये। लेकिन वो सब हो सकता है, भगवान सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यही विश्वास है ये। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम भगवान के लिए टाइम देते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। भगवान की जो शक्तियां हैं वो इनकंसीवेबल है। भगवान कैसे चीजों को करते हैं हम जैसे तुच्छ जीव नहीं समझ सकता, इसलिए जीव के लिए बेस्ट चीज है जब वो भगवान के लिए टाइम देता है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, एक वे में भोग लगाना, अर्पण करना, ये सब करना, दंडवत करना, ये भगवान के लिए जप के लिए समय निकालना, शास्त्रों को पढ़ना, इतने सारे चीजें दिए गए हैं। जितना भगवान के लिए हम समय बढ़ाते जाएंगे, लाइफ उतनी इफेक्टिव होती जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने ये जो 15 श्लोक है इसके तात्पर्य में लिखा है, हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। तो भगवान का बहुत बड़ा कंपैशन है, भगवान को मालूम है ये लोग तो मेरे से इंडिपेंडेंटली इंजॉय करना चाहते हैं इस संसार में, तो भगवान ने इंजॉयमेंट के सिस्टम में ही यज्ञ को डाल दिया। तो भगवान ने बोला इंजॉय करना तो पहले तो खाना ही है, हाँ ईटिंग से ही सब शुरू हो रहा है, तो भगवान ने उस सिस्टम में ही यज्ञ को डाल दिया, इतना बड़ा कंपैशन है। तो भगवान बोल रहे हैं ठीक है तुम करो, लेकिन इस प्रकार से करो, तो वो करते हुए भी शुद्धिकरण होगा। अब 16 श्लोक में भगवान बताते हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तीयति हया अघायुर इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। एवं एवं मतलब ये चक्र मैंने बताया है इस प्रकार से, एवं प्रवर्तितम वेदों के द्वारा स्थापित चक्रम, ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है सेक्रीफाइस की, ना अनुवर्तयती हया, इसको जो मानता नहीं है, इसका जो अनुवर्तन नहीं करता है, इसको जो ग्रहण नहीं करता है, इसका जो पालन नहीं करता है, अघायु, भगवान बोलते हैं अघायु, वो क्या है, पापपूर्ण जीवन जी रहा है वो व्यक्ति। इंद्रिया रामा, इंद्रियों में आसक्त, मोघम, मोघम मीन्स यूजलेसली, पार्थ से जीवती, व्यर्थ ही वो जीवित रहता है। ये कितना स्ट्रांग श्लोक भगवान ने बोला है, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार के वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, निश्चय पाप में जीवन व्यतीत करता है, ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो इसका पालन नहीं करता है या ना अनुवर्तित,
एवं प्रवर्तितम चक्रम। तो अघायु वो पापपूर्ण जीवन जीता है इंद्रियों के लिए, फालतू में ही जीता है, उसका जीने का कोई मतलब नहीं है। बेसिकली भगवान बोल रहे हैं अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान? क्योंकि सांस, हर सांस पे वो रिएक्शन इकट्ठा कर रहा है, वो व्यक्ति एक एक सांस पे रिएक्शन बढ़ा रहा है, अपना दुख बढ़ा रहा है, क्योंकि वो इस साइकिल का पालन नहीं कर रहा है। अब लेकिन संसार में जिएगा तो भोग करेगा, और अब वो भोग करेगा चीजों को, जितना भोग करेगा उतना दुख बढ़ते जाएगा, पाप लगे ना, तो हर क्रिया के साथ उसको केवल पाप इकट्ठा कर रहा है, वो जीवन पाप का बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं उसको तो जीने का मतलब नहीं है, जीने से अच्छा मृत्यु हो जाए, क्योंकि तो जितना दिन जिएगा उतना संसार में वो बंधेगा। ये तो ये यहाँ पे सिद्धांत है। ये तो इसीलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमको इसका पालन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी ने इसमें एक्सप्लेन किया है कि पहली लाइन में बताते हैं तात्पर्य कि इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो, इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया। लोग सोचते हैं हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ाई करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, फिर बहुत इंजॉय करेंगे। ये गलत धारणा है। हाँ, हमको बहुत मेहनत करना है, और मेहनत करने के बाद अगर किसी को अर्निंग करना है तो अर्निंग भी कर सकता है, लेकिन तीसरा ये होना चाहिए कि उसके साथ भगवान की बहुत सेवा करनी है। उसको ये नहीं सोचना है कि भगवान बहुत इंजॉय करेंगे। तो जो सोचता है कि बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, तो उसको बहुत दुख मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति का धारणा ऐसा रहेगा कि बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत सेवा करेंगे, सेवा जब करेगा तो भगवान उसको सेटिस्फेक्शन और एंजॉयमेंट देंगे। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी लिखते हैं, यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषय उन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है। भगवान यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि ये यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है, भगवान ने इस प्रकार से बनाया है कि जिन लोगों की, हम सबके हृदय में इच्छा है इंजॉय करने की, तो वो इंजॉय करने की इच्छा रखते हुए भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है। और संसार का जो समृद्धि है वो हमारी प्लानिंग से नहीं होता है, वो भगवान की प्लानिंग से काम करता है। ये तो अगर कोई व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है तो उसका जीवन व्यर्थ है, जितना जिएगा उतना उसके लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। ये तो इसीलिए हम सबके जीवन में, व्यक्ति का जीवात्मा का स्वभाव है वो इंजॉय करना चाहता है, एट द सेम टाइम जीवात्मा एक उद्देश्य के लिए जीना चाहता है। तो एक होता है प्लेजर और एक है पर्पस। हाँ, तो वो पर्पस को परस्यू करना चाहता है, प्लेजर भी चाहता है, इन दोनों के बीच में हमेशा उसके जीवन में एक टेंशन चलते रहता है। तो ये जो सिद्धांत बोला है कि अगर कोई व्यक्ति है वो यज्ञ नहीं कर रहा है, ये तो ही जस्ट लिविंग इन वेन, वो ऐसे ही जी रहा है। हाँ, उसको जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद मनुष्य जन्म का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति, ये मनुष्य जन्म खाने पीने सोने इसके लिए मिला ही नहीं है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। तो पशु जीवन में व्यक्ति कर ही रहा था, पशु जीवन में भी उसके बच्चे थे, उसका पूरा परिवार था, और भोजन कर रहा था, सो रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी व्यक्ति अगर यही सारी क्रियाएं कर रहा है बिना शास्त्रों का पालन किए, तो बेसिकली वो पशु प्रवृत्ति में एंगेज है। He has wasted the opportunity. He is living in vain because उसने वेस्ट कर दिया अपॉर्चुनिटी। तो ये जो परफॉर्मेंस है, तो इस संसार में व्यक्ति का ग्रोथ देखिए कैसे होता है। जब सबसे पहले व्यक्ति है, जो जानवर है उनके लिए कोई नियम नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं भोग कर रहे हैं। जब जीवात्मा मनुष्य शरीर में आता है फिर वो कर्मकांड करता है। तो कर्मकांड जब वो करता है तो कर्मकांड क्या है, वो धीरे धीरे कर्मकांड में शास्त्रों का पालन करके एंजॉय करता है। तो कर्मकांड कर रहा है उसको एंजॉय करना है, उसका उद्देश्य क्लियर है कि मुझे भोग करना है, मुझे एंजॉय करना है, लेकिन शास्त्र का सहारा ले रहा है एंजॉय करने के लिए। तो धीरे धीरे उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो टेम्पररी से इटर्नल की ओर जाती हैं। जो
टेम्पररी मतलब जो क्षणिक है उससे शाश्वत की ओर जाते। तो अब उसमें क्या होता है, जो अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट था वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, क्योंकि अगर कर्मकांड वगैरह कुछ भी नहीं करेगा तो कैसे भी एंजॉय कर सकता है। अब लेकिन कर्मकांड के माध्यम से एंजॉय करना है, सपोज उसको मांस भी खाना है, तो अगर बलि चढ़ानी है तो बलि में कुछ प्रक्रिया है, पूजा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, उस मांस के छह छह पार्ट में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, उसमें से एक को खा सकता है, रिस्ट्रिक्शन हो गया ना। और अगर वो खुद करता तो अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाता। तो सबसे पहले क्या होता है, कर्मकांड उसको अनरिस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ति से, अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट से रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट पे आता है। दूसरा चीज क्या होता है, जब वो कर्मकांड को फॉलो करता है तो एक वैदिक अथॉरिटी को सरेंडर करता है, हाँ शास्त्रों के अकॉर्डिंग मुझे एंजॉय करना है ये। अब इस कर्मकांड से उसके घर में समृद्धि आ जाती है, ये इस लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में भी। ये तो कर्मकांड में क्या है, किसी को अच्छा पुत्र चाहिए, किसी को अच्छा समृद्धि चाहिए, अच्छी फसल चाहिए, कोई बीमारी हो गई वो दूर करनी है, ये तो इसको बोलते हैं लो लेवल ऑफ सेक्रीफाइस, जो कर्म कांड का सेक्रीफाइस है। क्यों? क्योंकि इनका जो फल है बहुत लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन धीरे धीरे अब वो क्या है, जब वो एसोसिएट करता है, जो ब्राह्मण यज्ञ वगैरह करा रहा है उससे एसोसिएट करता है, और वो यज्ञों के बारे में और सुनता है, शास्त्रों में जो लिखा है कि अरे यज्ञ करने से इस जीवन में क्या तुमको और भी ऊंचा जन्म मिल सकता है, इससे भी ऊंचा जन्म मिल सकता है, ऊंचे लोकों में जा सकते हो, तो फिर वो प्लान करता है कि, क्योंकि इस संसार में जैसे जैसे वो सोचता है कि मुझे स्वर्ग जाना चाहिए, क्योंकि वो इस संसार में जब रह रहा है तो उसको समृद्धि मिल रही है, हेल्थ भी अच्छा हो गया और घर में बच्चे की नौकरी लग गई, लड़की की शादी हो गई, लेकिन फिर भी संसार का ऐसा स्वभाव है, उसको दुख आते रहते हैं कि परिवार है, परिवार में किसी की मृत्यु होगी, कभी ना कभी अकाल पड़ेगा, घर में कभी चोरी हो जाएगी, तो इन सब विपत्तियों को झेलते हुए वो समझ जाता है कि भौतिक संसार का ये तो स्वभाव है। तो ही इज पुश्ड टू सीरियसली कंटेम्पलेट अबाउट स्वर्ग लोक, तो वो विवश हो जाता है सोचने के लिए कि ये इतनी अच्छी जगह नहीं है भोग करने के लिए, इससे बेटर जगह जाना चाहिए। तो स्वर्ग लोगों के वो सोचता है कि केवल एक पुत्र से, थोड़ी सी संपत्ति से मैं क्या स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग में मुझे सोमरस मिलेगा और वहां पे बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, उनका मुझे संग मिलेगा, नंदन कानन गार्डन का डिस्क्रिप्शन पड़ता है, और यहाँ पे तो 80-90 में बुढ़ापा आ जाता है, वहां तो हजारों साल जीऊंगा, ये तो ऐसा वो प्लानिंग करता है। तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल है कर्मकांड का इस संसार में एंजॉय करना, लॉन्ग टर्म गोल है स्वर्ग आदि लोकों में, ये दोनों पैशन से बने हुए हैं। तो ऐसा जब वो करता है, अब इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, इसमें एटलीस्ट उसको पहली चीज ये पता चलती है कि जो सोल है उसको दूसरा लाइफ मिलता है, आत्मा है वो शरीर चेंज करता है ये। और धीरे धीरे जब वो ऐसे करने लगता है तो एक समय में वो सोचने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, उसको धीरे धीरे पता चलता है कि मैं शरीर नहीं। तो जब वो ये सेक्रीफाइस करता है और जब वो सोचता है कि ठीक है मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, और फिर मैं, तो उसको सोल का कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मैं शरीर नहीं, और ये शरीर छोड़ के मैं दूसरा शरीर लूंगा स्वर्ग में, स्वर्ग में क्योंकि लंबा जीवन है। तो ये जो लंबे जीवन की जो आशा है, विद इन दिस थॉट देयर इज अ सीड ऑफ इटरनल लाइफ, हाँ इटरनल लाइफ। अब उसके अंदर एक सीड छुपा हुआ है कि वो लंबा जीवन चाहता है, फिर वो धीरे धीरे शास्त्रों में और पढ़ता है, शास्त्रों में सुनता है, अरे भाई स्वर्ग में भी ऊपर नीचे होते रहता है, देखो इंद्र को कभी कभी निकाल देते हैं, और इंद्र भी हमेशा टेंशन में आते रहता है, हर कैंटो में इंद्र की प्रार्थनाएं दी है, और वहां पे भी भय है, वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो वो सोचता है, धीरे धीरे सोचता है कि हाँ भौतिक इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, वो देख रहा है कि इंद्र संतुष्ट नहीं है, उसको पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो धीरे धीरे शास्त्रों को ऐसा पढ़ के, शास्त्रों के अनुसार आचरण करके, उसके बुद्धि में ये लाइट जलती है, क्या कि जन्म और मृत्यु हर जगह है, इसीलिए जो भौतिक जगत है ये क्षणिक है, ये दुखालय में। तो अब वो इतना समय शास्त्रों का ऐसे पालन करने के बाद अब वो धीरे धीरे रिसेप्टिव हो जाता है ट्रांसेंडेंस के बारे में सुनने के लिए, यानी अगले जगत के बारे में सुनने के लिए, आध्यात्मिक जगत के बारे में
सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक उसको संसार में इतना दुख प्राप्त हो गया और समृद्धि के बावजूद, बच्चों के बावजूद, संबंधियों के बावजूद, नौकरी के बावजूद वो देख रहा है कि दुख तो जान ही रहा, तो धीरे धीरे भौतिक जगत से उसका डिटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि वो यज्ञ का आश्रय ले रहा है, हर सेक्रीफाइस कर रहा है कुछ ना कुछ भगवान के लिए। हाँ, क्योंकि अपना जो कोई जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी दे रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रॉफिट दे रहा है। ये तो क्या होता है, ही इज एक्सपीरियंसिंग द टेस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, ही इज सेक्रीफाइसिंग हिज हार्ड अर्न मनी, हिज हार्ड अर्न एफर्ट, अपने कठिन परिश्रम से जो अर्न कर रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए दे रहा है, भगवान उसको टेस्ट देते हैं, धीरे धीरे उसका उद्देश्य ऊंचा होता है। और फिर वो सोचता है, ही नो लॉन्गर थिंक्स ऑफ अटेनिंग मटेरियल हैप्पीनेस बट ऑफ लीविंग द वर्ल्ड, ही स्टार्ट थिंकिंग। तो अभी क्या है ना, मटेरियल हैप्पीनेस का थॉट छोड़ देता है कि भौतिक रूप से खुश होना है। ये तो अभी इतने सारे शास्त्रों में श्लोक दिए गए हैं कर्म कांड के ऊपर और स्वर्ग के ऊपर। हाँ, तो इसीलिए ज्यादातर तो लोग जो भारत में भी हम देखते हैं जो धर्म का आश्रय लेते हैं, तो क्या है, कर्म कांड के आधार पर वो ये संसार में सुखी रहना चाहते हैं। और ये संसार के बाद मैक्सिमम कुछ लोगों का गोल है कि थोड़ा बहुत दान पुण्य करके हमको हेवन में जाना है। ये कर्म कांड लेकिन लोएस्ट है, लेकिन जो व्यक्ति जब देखता है वो इस संसार के कष्टों से एग्जॉस्ट हो जाता है, डिसगस्टेड हो जाता है, और वो ज्ञान कांड को कंसिडर शुरू करना लगता है। तो ज्ञान कांड सेक्शन में बताया है कि कैसे हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये तो जब वो कर्म कांड ही है, अब यहाँ से वो कर्म योगी हो जाता है। तो कर्म योगी मतलब क्या है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो दूसरा जगत है, आध्यात्मिक जगत है। तो कर्मयोगी में भी पहले वो सकाम कर्मयोगी बनता है, फिर निष्काम कर्मयोगी। सकाम कर्मयोगी जो रहता है तो शुरू में भगवान को थोड़े थोड़े फ्रूट ऑफर करता है, 50% अपने लिए रख रहा है, 50% भगवान के लिए रख रहा है। लेकिन बाद में निष्काम कर्मयोगी मतलब सारा चीज भगवान को ऑफर कर देता है। तो देखिए, हमारे जीवन में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अगर हमको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है तो ज्ञान हृदय में तभी स्थिर होगा जब हम अपने फ्रूट्स भगवान को ऑफर करेंगे। तो कोई व्यक्ति है, वो धन अर्जन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 1,00,000 रुपए कमा रहा है, हाँ, और 1,000 भगवान को दे रहा है, तो ये भी अच्छा है, लेकिन उसका ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगा। देखिए, सिद्धांत निष्काम कर्मयोग क्या क्या है कि सब कुछ भगवान को देना चाहिए, ये निष्काम कर्मयोग है। सकाम कर्मयोग क्या है कि कुछ तो देना चाहिए। अब इसमें सिद्धांत क्या है कि आज की डेट में अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि कितना मेरा एक्सपेंडिचर है, कितना मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है लाइफ में, जीवन में, मतलब उसका कुछ एक्सपेंडिचर है। जैसे अगर कोई गृहस्थ जीवन में है, उसका घर के लिए कुछ एक्सपेंडिचर है, रेंट है, ग्रोसरी है, बच्चों का एजुकेशन है, और उसके अलावा गृहस्थ को कुछ सेविंग भी रखना चाहिए, जो थोड़ा बहुत सेविंग, तो ये सब व्यक्ति को देखना चाहिए कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। सपोज 50,000 हो रहा है, 60,000 हो रहा है, उसमें उसने कुछ अपना सेविंग भी रखा है। अब उसके ऊपर का जो लक्ष्मी है वो कहाँ उपयोग कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति का 65,000 सैलरी है, हाँ, और उसके घर का एक्सपेंडिचर हर महीने जो सेविंग वो कर रहा है बैंक में फ्यूचर के लिए, उसका लोन चुका रहा है, वो सब मिला के सपोज 60,000 हो रहा है, तो कितना बचा, 5,000 बचा उसके पास। ये 5,000 अगर वो भगवान की सेवा के लिए उपयोग कर रहा है, वो निष्काम कर्म योगी। 5,000 की जगह अगर 1,000 कर रहा है भगवान की, तो ठीक है, सकाम कर्म में आ गया। जितना व्यक्ति निष्काम होगा उतना उसके हृदय में ज्ञान स्थिर होगा, ये सिद्धांत। जितना वो निष्काम रूप से भगवान को चीजें अर्पण कर पाएगा, ये तो पहले वो सकाम कर्मयोगी होगा तो होता है, फिर निष्काम कर्मयोगी होता है। तो सकाम कर्मयोगी की मतलब फ्रूट है, जो फल को, फल की इच्छा है, वो फल पूरा नहीं देता भगवान को, हाँ। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी हो जाता है, तो निष्काम कर्मयोगी सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, फल से उसकी कोई अपेक्षा नहीं, केवल अपने परिवार के लिए, पोषण के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रखता है, बाकी सब भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार से प्रोग्रेस करते हुए एक समय पर निष्काम कर्मयोगी सोचता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ, हाँ, ये इससे तो कोई भौतिक फल मिलेगा, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ,
तो इससे मुझे कुछ मटेरियल रिजल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन मटेरियल रिजल्ट तब है, मेरी तो कोई भौतिक इच्छा ही नहीं है, ना तो मुझे पुत्र चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे अच्छा घर चाहिए, ना मुझे स्वर्ग में जाना है, और मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, और ना मेरी कोई भौतिक इच्छाएं हैं, ये तो ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ। ये तो इस प्रकार से जो निष्काम कर्म योगी होता है उसके मन में विचार आ सकता है। तो एक अगला सेक्शन है कि जो निष्काम कर्म योग किस स्तर पे आ गया है, जो ज्ञान के लिए क्वालिफाइड है, उसको भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो बताया। तो ये यज्ञ का पूरा साइकिल है जो मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया कि यज्ञ करने से कैसे व्यक्ति धीरे धीरे एलिवेट होता है। श्रीमद भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।